दुनिया की 10 सबसे खतरनाक जेल। जेल जाना तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। इसके नाम मात्र से ही लोगों के जहन में काले पानी की सजा का ध्यान आ जाता है। इस सजा को ब्रिटिश सरकार आज़ादी से पहले भारतीय कैदियों को यातना देने के लिए देते थे। इसको सबसे कठिन सजा माना जाता था। इसी प्रकार दुनिया के अन्य देशों में कई ऐसी खतरनाक जेलें हैं जिनका नाम सुनकर ही अपराधी सजा काटने के अलावा मरना पसंद करते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी ही जेलों के बारे में बताने जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एक छोटे से इंट्रो के बाद। नंबर 10, गल्दानी जेल जॉर्जिया। मीडिया साइट द रिचेस्ट के अनुसार गल्दानी अर्थ पेंटेंटरी सुविधा दुनिया भर में सबसे भयानक और खतरनाक जेलों में से एक है। यह जेल जॉर्जिया में स्थित है। गल्दानी का जेल कांड एक राजनीतिक घोटाला था जिसमें जॉर्जियाई जेल प्रणाली में कैदियों के साथ दुर्व्यवहार शामिल था। इसका एक वीडियो सन 2012 में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसी से लोगों को गल्दानी जेल के बारे में पता चला कि यहाँ पर कैदियों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था और उनकी काफ़ी बुरी हालत थी। इन सब में सुरक्षा कर्मियों द्वारा किया यौन उत्पीड़न, कैदियों को यातना देना भी शामिल है। नंबर 9, ला सांटे जेल वेंजुएला। यह जेल फ्रांस की राजधानी पेरिस के मोंटपेरनेस जिले के पूर्व में स्थित है। इसको 1867 में खोला गया था और यहाँ पर काफ़ी कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। जब से इस जेल को खोला गया है यहाँ पर काफ़ी कैदियों के आत्महत्या करने के मामले सामने आए हैं। लगभग 124 कैदियों ने 1999 में जेल में आत्महत्या की थी। मूल रूप से इस जेल में 1400 कैदियों को रखने के लिए बनाया गया था। सन 2012 में प्रकाशित एक आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार जेल में लगभग 2000 से ज़्यादा कैदियों को रखा गया है। जेल में काफ़ी हिंसक मामले भी सुनने को मिलते हैं जिसके चलते सिर्फ 4 घंटों के लिए ही कैदियों को अपने सेल से बाहर निकाला जाता है। नंबर 6, सैन क्वेंटिन स्टेट जेल अमेरिका। यह जेल अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। 1854 में इसको खोला गया था। यह प्रायद्वीपीय राज्य की सबसे पुरानी जेल है और कभी कभी इस जेल में मौत की सजा के तरीकों को भी बदल दिया जाता है। सैन क्वेंटिन संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे प्रसिद्ध जेलों में से एक है। यहाँ पर मौत की सजा देने के लिए या तो फांसी, गैस चैम्बर या फिर लीथल इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। जेल में सुविधाएं काफ़ी ख़राब हैं और कैदियों के बीच में हिंसा के कई मामले आए दिन होते रहते हैं। नंबर 5, बैंकवांग सेंट्रल जेल थाईलैंड। दुनिया में बहुत कम जेल ऐसे हैं जिनकी स्थितियां बैंकॉक थाईलैंड के बाहरी इलाके में स्थित बैंकवांग सेंट्रल जेल की तरह कठोर हैं। राजा राम भी 1853 से 1910 द्वारा इस जेल की कल्पना की गई थी और 1927 से 1931 के वर्षों के बीच इसको बनाया गया। इसको एक साधारण जेल नहीं बनाया गया था लेकिन सबसे खराब अपराधियों के लिए एक प्रिपेटरी और अपीलीय अदालत और या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे होते हैं या जिन कैदियों को 25वें साल से लेकर उम्र कैद की सजा सुनाई गई होती है, जिन्हें मौत की सजा मिली होती है, वह कैदी यहाँ पर इस जेल में रखे जाते हैं। यह एशिया में दुनिया की सबसे कठोर जेलों में से एक है। सभी कैदियों को शुरू के 3 महीनों के लिए लोहे से बनी जंजीरों में जकड़ कर रखा जाता है और उनको खाने के लिए सिर्फ एक कटोरा चावल का सूप या फिर एक कटोरा चावल दिए जाते हैं। जिन लोगों को मौत की सजा या उम्र कैद की सजा दी जाती है उन कैदियों को इस जेल में रखा जाता है। यहाँ पर कैदी अधिकतर कुपोषण की वजह से अपनी जान गंवा बैठते हैं। नंबर 4, डायरबाकिर जेल तुर्की। यह जेल तुर्की में स्थित है। इस जेल को न्याय मंत्रालय द्वारा ई प्रकार जेल के रूप में 1980 में स्थापित किया गया था। इस ई टाइप जेल की क्षमता 744 कैदियों को रखने की है लेकिन कभी कभी इससे ज़्यादा कैदियों को भी रखा जाता है। हम आपको बता दें कि इस जेल को मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में सबसे ऊपर यानी पहले नंबर पर रखा जाता है। एक मानवाधिकारी संगठन ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि वर्ष 1981 से 1984 के बीच इस जेल में लगभग 34 कैदियों की असामान्य परिस्थितियों में मौत हो गई थी। दुनिया में यह जेल मृत्यु दर में दूसरे नंबर पर आती है। यहाँ पर कैदियों को विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं जैसे मानसिक, शारीरिक, इतना ही नहीं
यौन शोषण भी किया जाता है। कैदियों द्वारा खुद को आग लगाने, हफ्तों तक भूख हड़ताल करने और यहाँ तक कि कुछ कैदियों ने ऐसी क्रूर यातनाओं से बचने के लिए आत्महत्याएं भी की हैं। नंबर 3, कोटोनाऊ सिविल जेल, पश्चिम अफ्रीका। यह जेल पश्चिम अफ्रीका के देश बेनिन में स्थित है। यह जेल कैदियों के लिए एक भयानक जेल है। इस जेल में 400 कैदियों को रखने की क्षमता है, लेकिन 2000 से ज़्यादा कैदियों को रखा जाता है। जगह की कमी होने के कारण कैदियों की मौत अधिकतर दम घुटने के कारण हो जाती है। इस जेल में कई कैदी शिफ्ट में सोते हैं और देश की कमजोर न्याय व्यवस्था के कारण कई लोग मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। नंबर 2, टेडमोर जेल, सीरिया। यह जेल सीरिया में स्थित है। इसे डेथ वारंट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर कैदियों को काफ़ी यातनाएं दी जाती हैं, इसलिए इस जेल में कैदियों की मृत्यु की दर सीरिया में सबसे ज़्यादा है। इन यातनाओं में कैदियों को खाना ना देना, उसकी पिटाई करना इत्यादि शामिल है। नंबर 1, ब्लैक डॉल्फिन जेल, रूस। यह जेल रूस में स्थित है। इसे काफ़ी खतरनाक जेल माना जाता है। यहाँ पर गंभीर अपराधियों जैसे रेपिस्ट, देशद्रोही, मर्डरर इत्यादि को रखा जाता है। कजाकिस्तान के साथ की सीमा के स्थित इस जेल को स्केप प्रूफ माना जाता है, यानी कैदी यहाँ से भाग नहीं सकते हैं। और यह जेल लगभग 1700 दशक से विविध रूपों में काम कर रही है। आपको बता दें कि इस जेल का नाम डॉल्फिन की मूर्ति के नाम पर रखा गया है, जिसे कैदियों ने खुद ही बनाया, जो जेल के सामने घास पर बैठे हुए दिखाई गई है। इस जेल के नियम के अनुसार कैदियों को सुबह उठने से लेकर सोने के वक्त तक बैठने और आराम करने पर मनाही है। कैदियों को सलाखों के 3 सेटों के पीछे कोशिकाओं में रखा जाता है। वे एक छोटे से सेल के अंदर के सेल में रहते हैं, इसलिए इसको खतरनाक जेलों में से एक माना गया है। तो यह थी दुनिया की 10 सबसे खतरनाक जेल, जहाँ पर कैदियों को काफ़ी यातनाओं का सामना करना पड़ता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।